हे गाइस, वेलकम टू मिशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोजित और से आयोजित की जाने वाली एग्जाम का रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया है। उसमें 63,000 कैंडिडेट को पास किया गया है और इसका कट ऑफ कितना रहा, आइए इस वीडियो में पूरा बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि पता चल सके कि इतना ही कट ऑफ गया है और अगर आप पास हुए तो इतने नंबर आपके आए होंगे। आइए इस वीडियो में पूरा देखते हैं। ये आपका बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोजित 14 तारीख को इसका रिजल्ट आपका आया हुआ है। विज्ञापन संख्या प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता की परीक्षा 2014 की परीक्षा 6 चरणों में दिनांक 8, 9, 10 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई थी और इसमें जो कैंडिडेट पास हुए हैं उन कैंडिडेट को इसमें 5 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है। रिक्तियों के 5 गुना अनुमानित अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम का बढ़ते हुए क्रम में इसका दिया गया है। जिस कैंडिडेट ने अपना रोल नंबर देख लिया होगा उसके बाद इसमें कितने कैंडिडेट पास हुए ये आपको मैं इस वीडियो में पूरा बता रहा हूँ। इसमें अपना रोल नंबर आप ढूंढ सकते हैं, जो कैंडिडेट पास हुआ उनके कितने नंबर आए। मेरे अभी बात हुई है व्हाट्सएप के माध्यम से, बात हुई है, इससे पता चला है कि जनरल वाला और ओबीसी वालों के कितना कट ऑफ रहा है। टोटल इसमें 63,739 कैंडिडेट को पास किया गया है और इस कैंडिडेट का कितना पीडीएफ यानी कट ऑफ गया है, आइए पूरा आपको डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ। 63,739 कैंडिडेट को पास किया गया है, आइए पूरा डिटेल से देखते हैं। बिहार इंटर लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें उपयुक्त परीक्षा पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा हुई थी, जिसमें सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 थी, सामान्य विज्ञान और गणित प्रश्नों की संख्या 50 थी और मानसिक क्षमता जांच प्रश्नों की संख्या 50 थी और प्रत्येक के 4 अंक थे, यानी 600 अंक का पेपर था। पूरा 600 में से कितना गया है और 2 घंटे 15 मिनट की अवधि थी इस प्रकार, और 1 अंक की कटौती की जाएगी 1 अंक की माइनस मार्किंग के साथ इसमें, और कट ऑफ कितना रहा। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध अधिक चयनित रिक्तियों के लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, यानी लगभग 5 गुना कैंडिडेट को इसमें पास किया गया है, जो आपको मैंने बता दिया 63,000 कैंडिडेट को पास किया गया है। अब बात कर लेते हैं जनरल के कट ऑफ कितना जाएगा। मेरे कैंडिडेट से बात हुई, उन्होंने बताया कि जनरल के कट ऑफ है जो 335 से 342 के बीच में गया है, इससे ज़्यादा जनरल के कट ऑफ नहीं गया है। यानी जिन कैंडिडेट के 335 से 340 या 42 के बीच में नंबर आ रहे हैं उनका जनरल के कट ऑफ के बीच में रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी कट ऑफ। ओबीसी कट ऑफ आपके 325 से 330 के बीच में गया है, ओबीसी कट ऑफ इतना ही गया, ज़्यादा नहीं गया, यानी 600 में से आपके 325 से 330 के बीच में कट ऑफ गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूसी, जो ईडब्ल्यूसी के कैंडिडेट हैं उनको 318 से 324 के बीच में मेरिट गया है। ये एक डाटा एकदम फैक्ट रहती है क्योंकि कैंडिडेट से बात हुई है, उन्हीं के अनुसार ये मैं आपके सामने कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ। तो 318 से 324 के बीच में इसका कट ऑफ गया है। इसके बाद बात करते हैं एससी कट ऑफ। एससी की कट ऑफ है, एससी कैंडिडेट के 310 से 315 के बीच में कट ऑफ गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट के 305 से 310 नंबर के बीच में कट ऑफ गया है, इससे ज़्यादा कट ऑफ एसटी कैंडिडेट के भी नहीं गया है। इस प्रकार जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ इतना ही रहा है। तो दोस्तों, जिनके ये नंबर आए हैं वो इसमें 63,000 में से 63,000 कैंडिडेट हैं उनके साथ में पास हो गए हैं। और अब इसका CBT 2 एग्ज़ाम होगा, उसकी डेट कब होगी वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, जब भी कोई भी नोटिस नया आएगा तब। बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगी, और कट ऑफ कितना गया है और एग्ज़ाम कब होगा, अगले एग्ज़ाम की तारीख कब आएगी, पूरी जानकारी इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मिशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल नाम से आपको सब्सक्राइबर करना होगा, उसके बाद आपको बेल आइकन पास वाले पर दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको आने वाली सभी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और लाइक करें।